नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। देश की राजधानी दिल्ली में एक इलाका ऐसा भी है जहां हर साल आईएएस आईपीएस बनने का सपना आंखों में लिए हजारों की तादाद में छात्र आते हैं। कंधे पर बैग का बोझ लिए दुकान दर दुकान किताबें छानते, कोचिंग सेंटरों के चक्कर लगाते ही हजारों युवा बस एक ही ख्वाब देखते हैं कि काश किसी तरह से सरकारी नौकरी लग जाए। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर की। राजस्थान के कोटा की तरह यहां भी हर साल कुछ छात्रों के ख्वाब पूरे होते हैं तो कुछ के अधूरे रह जाते हैं, तो वहीं कुछ जिंदगी से मायूस होकर दम तोड़ देते हैं। हमारे देश में एक बात कही जाती है, भले ही शादी के बाद इंसान की बीवी साथ छोड़ जाए लेकिन सरकारी नौकरी मरते दम तक साथ निभाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 140 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े देश में आखिर कितने लोगों की सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो पाता है, साकार हो पाता है। कुछ आंकड़ों की माने तो भारत में 2014 से 2022 के बीच 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने केंद्रीय सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था। इस दौरान जिन लोगों को सरकारी नौकरी के लायक पाया गया उनकी संख्या कुल 7.22 लाख थी, यानी कुल आवेदकों में से जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिली उनकी संख्या 1% भी नहीं थी। इसके बावजूद बेरोजगारी से जूझते भारत में सरकारी नौकरी पाने की मानो एक होड़ सी लगी हुई है। सरकारी नौकरी हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले लाखों युवा अपनी जिंदगी के अहम और बेहतरीन साल कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में झोंक रहे हैं, लेकिन कामयाबी मयसर ही कुछ गिने चुने लोगों को होती है। क्या है इस होड़ की वजह? क्यों सरकारी नौकरी पा लेना युवाओं की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बनता जा रहा है? आज के युवाओं की सोच के बारे में बात करें तो सरकारी नौकरी की चाह में दांव पर लगती जिंदगियां बस एक ही सपना देखती हैं, शायद इस बार। क्योंकि हमारे बच्चे पहले स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, हर कदम पर बच्चों को बस एक ही बात सिखाई जाती है कि ठीक से पढ़ लिख जाओगे तो कहीं अच्छी सरकारी नौकरी लग जाएगी। बस यही बात बच्चों के मन में घर कर जाती है। वो अपनी जिंदगी के सबसे अहम साल, अपनी आजादी, अपना बचपन, अपना लड़कपन सब कुछ छोड़कर लग जाते हैं सरकारी नौकरी पाने की रेस में। साल दर साल गुजरते जाते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में कब बाल सफेद होने लगते हैं पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक हिम्मत जवाब दी जाती है, उम्र निकल जाती है। कॉलेज से पास आउट होते ही हर बच्चे का सपना होता है कि एक सेफ और एक सिक्योर नौकरी लग जाए, एक ऐसी नौकरी जिसमें अच्छी सैलरी हो, फ्यूचर सिक्योर हो, इज्जत हो, रुतबा हो, और यह सब उन्हें सिर्फ सरकारी नौकरी में ही नजर आता है। आज प्राइवेट नौकरी और प्राइवेट कंपनियों के हालात किसी से छिपे नहीं है, इसलिए हर छात्र को लगता है कि कुछ साल जी तोड़ मेहनत कर ले तो लाइफ सेट हो जाएगी, फिर तो बड़ा सा सरकारी बंगला होगा, बड़ी सरकारी कार और ऐश ही ऐश। लेकिन कितने बच्चों का ये लग्जूरियस सपना पूरा हो पाता है? आईएएस आईपीएस बनने की दौड़ में जब अच्छे नंबर नहीं आते तब भी उम्मीद बनी रहती कि चलो कोई ना कोई तो सरकारी नौकरी मिल जाए। बंगला बड़ा नहीं तो छोटा सरकारी क्वार्टर ही सही, कार नहीं तो बाइक ही सही, कम से कम जॉब तो सेफ होगा। मगर यहां भी हजारों युवाओं को निराशा ही हाथ लगती है। जिस दिन नतीजा आता है और छात्र अपना नाम लिस्ट में नहीं देख पाता वो लम्हा बहुत मुश्किल और दर्द भरा हो जाता है। लगता है आपका अपना सपना अधूरा रह गया, जिंदगी बोझिल सी लगने लगती है। अब कैसे अपना चेहरा लेकर परिवार के सामने जाएंगे जिन्होंने हमें अफसर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, पूरी ताकत, पूरी पूंजी झोंक दी? कैसे अपनी सोसाइटी को फेस करेंगे जिनके सामने हमारे माता पिता गर्व से बड़े बड़े दावे किया करते थे? सरकारी नौकरी की चमक छात्रों के चेहरे की मुस्कान तक छीन लेती है। पक्की नौकरी की चाह रखने वाले छात्रों को सरकारी वर्दी या सरकारी नौकरशाही की जो चमक है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। बड़ा बंगला हो जाता है, समाज में रुतबा बढ़ जाता है। बस इसी जुगत में आज के छात्र कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में अपनी जिंदगी खपा देते हैं। उनकी जिंदगी हॉस्टल के छोटे से कमरे से लेकर मार्केट में फैली ढेरों किताबों की दुकानों तक सिमट कर रह जाती है जिंदगी। कभी वो मोबाइल फोन पर ऑनलाइन लेक्चर सुनने में तो कभी नोट्स बनाने में ही गुजर जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता घेरे रहती है। क्या होगा, कैसे होगा, घर वालों को या रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? कुछ बच्चे वक्त रहते अपना खर्चा उठाना सीख जाते हैं तो कुछ नौकरी न मिलने तक अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं, और यही बात उनके मन को घेरे रहती है, सालती रहती है। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश में उतनी सरकारी नौकरियां शायद ही कभी अवेलेबल होंगी जितने उनके दावेदार हैं।
लेकिन इस बात का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर सरकारें ध्यान ही नहीं देती। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2022 तक सरकारी विभागों में कुल 9,64,359 पोस्ट खाली थे। मार्च 2023 तक पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के 7,47,565 पोस्ट खाली थे। 1 जुलाई 2023 तक भारतीय रेलवे में 2,50,965 पोस्ट खाली थी। 1 जनवरी 2023 तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में 84,866 पोस्ट खाली थी। सरकारी क्षेत्रों में लाखों नौकरियां साल दर साल खाली पड़ी रहती हैं, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता। सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स की माने तो इसे हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले हजारों लाखों युवा हर साल छोटे कस्बों और गांव देहात से बड़े महानगरों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आते हैं। एग्जाम की तैयारी में छात्र 4 साल के बजाय 6 साल, 8 साल और कई बार तो वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि वो किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। उन्हें लगता है शायद इस बार। ये सिलसिला चलता रहता है और कई बार दर्दनाक अंजाम के साथ भी खत्म होता है। केंद्र सरकार का कहना है कि वो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी कई स्कीम्स चला रही है, लेकिन फिर भी देश में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि सरकारी नौकरी के लिए ऐसी होड़ क्यों? यह सवाल लेकर जब हम IIT के एक प्रोफेसर के पास गए तो उन्होंने बताया कि जब आप नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आप एक सेफ फ्यूचर की कल्पना करते हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी, वर्क आवर्स, वर्किंग कंडीशंस और बेनिफिट्स एक्सेट्रा। आज आप अपने देश में ही देखें तो इस तरह की सेफ सिक्योर जॉब सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, और अब प्राइवेटाइजेशन के बाद वो भी लिमिटेड रह गई है। एक परमानेंट सरकारी नौकरी की क्या अहमियत है, इसकी एक मिसाल साल 2022 में उस वक्त देखने को मिली जब बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती किए जाने वाले युवाओं में से 75% को नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए लग गई और इसी बात का विरोध हो रहा था। जहां एक तरफ लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, वहीं आजकल एक नया ट्रेंड भी दिखाई देने लगा है और वो है नौकरियों को एडहॉक बेसिस पर भरने का। यानी सरकारी नौकरी तो है पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इसके तहत एक ना एक दिन परमानेंट हो जाने की उम्मीद बहुत से युवा ये एडहॉक नौकरियां करने लगते हैं, लेकिन जब एडहॉक नौकरी के परमानेंट नौकरी में बदल जाने की उम्मीद टूटती है तो कई जिंदगियां बिखर जाती हैं, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, जो कतई इस समस्या का हल नहीं है। इसी बात को लेकर देश के कई राज्यों में कच्ची नौकरी को पक्की नौकरी में बदलने के लिए प्रदर्शन जोरों पर है, लेकिन उनका समाधान कोई भी नजर नहीं आता। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे जैसे सेक्टर्स में अपना दायरा छोटा करती जाएगी तो रोजगार के मामले में इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सरकार को चाहिए कि अपने नागरिकों का जीवन स्तर बढ़ाए। अगर आप उन्हें लेबरर की तरह निचोड़ते जाएंगे, उनको कम पैसे देकर उनको एडहॉक नौकरी में लगाएंगे तो आप अपने पैर खुद ही काट लेंगे। यूनिवर्सिटीज में पक्की नौकरियों का रहना जरूरी है। शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने पर ध्यान देंगे या फिर अपनी अगली पक्की नौकरी ढूंढने पर? हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि रोजगार मेलों के तहत खाली पदों को मिशन मोड में भरा जा रहा है। सरकार की माने तो अक्टूबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच देश भर में आयोजित किए गए 11 रोजगार मेलों में 7 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई, जबकि विपक्ष का कहना है कि इन रोजगार मेलों के जरिए सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है। एक खुशहाल जिंदगी का सपना लिए हजारों युवा हर दिन इस भीड़ का हिस्सा बनते जाते हैं, लेकिन मंजिल गिने चुने लोगों को ही नसीब होती है। अपने सपनों का पीछा करते करते कब इनमें से ज्यादातर लोग इस भीड़ में कहां गुम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए दुनिया के सबसे बड़ी युवा शक्ति वाले देश की सरकार को जरूरत है इस दिशा में सोचने और सार्थक कदम उठाने की। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।